आपकी इतला के लिए अर्ज है कि यो भाई है हमारे लेमन ग्रास। तो ये भाई साहब भी तकरीबन एक टहनी थी इनकी जब ये आए थे, तो अब तो माशाल्लाह ये फैलते ही जा रहे हैं क्योंकि इनको माहौल अच्छा मिल रहा है। छांव चाहिए होती है और थोड़ी सी धूप चाहिए होती है, वरना ये सड़ भी सकते हैं। तो नए पौधे जो बनते हैं वो बेसिकली बनते हैं जनवरी फरवरी और मार्च के मौसम में, ये बहार का जो मौसम होता है जिसमें टेम्परेचर कम होता है। तो लेमन ग्रास बेबीज़ हमने यूँ प्रोड्यूस किए थे कि इसकी जो शाख है जड़ समेत आपने निकालनी है, और जड़ समेत निकाल के कि मिट्टी में दबा दें तो पहले तो वो खुश्क हो जाएगी। तो जब खुश्क हुई मैं परेशान हो गया, मैंने कहा लो जी हमारा गया पौधा, लेकिन वो खुश्क हो जाएंगी मगर उनकी जो जड़ें जब वो फैलेंगी तो ऊपर से नया प्लांट प्रोड्यूस हो जाएगा। तो आपको दिखाता हूँ जो मैंने उगाया। हमारे पेपी लेमन ग्रास में से ये एक बच गए हैं, इनको बचा लिया गया छांव में लगा के, वरना इनकी गर्मी की वजह से मेरे जो बाकी चार हैं इसके बहन भाई, जो बाकी चार बहन भाई थे वो झुलस गए हैं, मगर ये हमने छांव में लगा के बचा लिया इसको। माशाल्लाह हमारा ये वाला लेमन ग्रास बेबी बच चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी इतला के लिए अर्ज है, जब भी आप अपने लेमन ग्रास बेबीज़ उगाएं तो उनको गर्मी से ज़्यादा बचाने की कोशिश करें, क्योंकि हिफाजत का ज़िम्मा तो आप ही का है। तो चलें लेमन ग्रास बेबी उगाएं और इन्जॉय करें। जब भी आपके लेमन ग्रास बेबीज़ बड़े हो जाएं तो इन्हीं के पत्ते आप बॉयल करके उनकी चाय बना के पिएं, कहवा जिसे बोलते हैं, लेमन डाल के अपनी डाइट का अच्छा ख्याल रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।